दोस्तों बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जॉब्स लाइए दिल्ली एंड हरियाणा तरफ, हरियाणा साइड लोकेशंस में जॉब्स लाइए। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज इन हरियाणा लोकेशंस में आपको यही रिकमेंड करूंगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये जो जॉब्स का लोकेशंस होने वाला है ये आपका गुड़गांव में होने वाला है, फरीदाबाद, भिवाड़ी, नोएडा, बवाल एंड गुड़गांव लोकेशंस, ये चार पांच लोकेशंस में जॉब्स होने वाले। सैलरी 17,000 से 18,000 रुपये ईजिली बनेंगे। देन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशंस जो भी होगा मैं आपको पूरा दे पाऊँगा और आप पूरा कलेक्ट कर पाओगे। देन जब आप वीडियो पूरा देखते हो तो इन्फॉर्मेशंस आपको पूरा मिल जाता है। सो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करिए, मोटिवेट कीजिए। सो, चलिए हम जॉब्स का एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया गया तो हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन पूरा हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आफ्टर देन आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया है जो आपका काम होने वाला है, क्वालिटी इंस्पेक्शन पैकिंग पिकिंग का। ओके, तो कंपनी जो मेड पार्ट्स ऑफ क्लाइंट्स, यहाँ पर जो कंपनी में पार्ट्स क्या बनते हैं, प्रोडक्शंस पार्ट्स फॉर फोर्ड, निसान, हॉनीवेल, बॉस्क, वेलो, मारुति सुजुकी, सैमसंग, मोटोरोला, वीवो, माइक्रोमैक्स, सर्किट बनते हैं। इस कंपनी में सर्किट बनता है, जो मोबाइल के सर्किट होते हैं ज़्यादातर वो बनते हैं, मारुति सुजुकी का जो सर्किट होता है वो भी बनता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में क्या क्या मांगा गया है। देन यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में ITI, डिप्लोमा, BTech, 10th पास, 12th पास, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जॉब्स ले सकते हैं। यहाँ पर 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा एंड यहाँ पर BTech या डिग्री, सभी कैंडिडेट आप कॉल कर सकते हैं। स्किल्स के बारे में बता दूं, फीटर, मैकेनिकल एंड फीटर, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियंस। ओके, यहाँ पर फ्रेशर्स भी जॉब्स को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई फ्रेशर्स बनता है जिसे अनएक्सपीरियंस है, वो अभी अभी पढ़ाई करके निकला है, वो भी इस काम को कर सकता है ईजिली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एज की बताऊँ तो एज 18 से 35 साल है, 18 to 35 ईयर्स एज है, जिसमें देखो 10th और 12th पास। सैलरी का बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम डिटेल्स बता देते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वर्किंग शिफ्टिंग, काम के बारे में, सैलरी सबसे लास्ट में बताऊंगा, पूरा ध्यान से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग शिफ्टिंग, सुबह 8 घंटे की ड्यूटी है, प्लस आपको 4 घंटे का कंपलसरी ओवर टाइम है, ठीक है। तो ये ओवर टाइम आपका कंपलसरी करना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे का ही ड्यूटी है तो आपको 8 घंटे ही करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 6 बजे से लेकर पहला शिफ्ट है, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, दूसरा शिफ्ट है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, एंड तीसरा शिफ्ट है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, और सम टाइम 2 शिफ्ट, 6 AM to 6 PM, 6 PM to 6 AM। यही पोस्ट, यही आपको वर्किंग टाइम देखने को मिलेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। लोकेशंस की बात की जाए तो फरीदाबाद, भिवाड़ी, नोएडा, बवाल, गुड़गांव, और टोटल कैंडिडेट्स नीडेड इन दिस कंपनी 350 कैंडिडेट यहाँ पर। और यहाँ पर मील्स, खाना के बारे में बताया गया, 9 रुपये लगेंगे, विल डेडिकेटेड फॉर्म, 1 टाइम फूड, 9 रुपीज़ पर डे का एक टाइम खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, 2 टाइम्स बेवरेज मिलेगा, ठीक है। 9 रुपये में आपको डिडक्ट होगा सैलरी से पर डे, तो यहाँ पर आपको एक टाइम खाना मिलेगा, 2 टाइम बेवरेज मिलेगा। फैसिलिटी में 1 टाइम कैंटीन अटेंडेंट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ये सब अलाउंस बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। देन नोट, रूम आर नॉट गिवेन बाय कंपनी, रूम कंपनी नहीं देगी, वी अरेंज अकोमोडेशन नियर बाय 1 किलोमीटर फ्रॉम द कंपनी वर्किंग लोकेशंस। आपको उस कंपनी के अराउंड टू मी 1 किलोमीटर के अंडर में आपको रूम खोजना है खुद से। कैंडिडेट आर पे फॉर रेंट, कैंडिडेट ही पे करेंगे और कैंडिडेट ही रूम खोजेंगे, मतलब रूम से कोई लेना देना नहीं है कंपनी का, कंपनी आपको रूम प्रोवाइड नहीं कराएगी, आपको खुद से एडजस्टमेंट करना होगा। सो, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो 10th पास 12th पास कैंडिडेट होंगे ना, उनको 12,063 रुपये 8 घंटे ड्यूटी की, बात समझना मेरी, 8 घंटे ड्यूटी की 12,063 रुपये CTC है, इन हैंड आएगा 9,000 रुपये 8 घंटे का, PFESI कट छट के। ओवर टाइम 50 रुपये घंटा है, अगर 4 घंटे पर डे ओवर टाइम मिलते हैं तो यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको 200 रुपये ओवर टाइम के हो गए, मतलब 26 दिन का आपको हो गया 5200 रुपये ओवर टाइम, और यहाँ पर 9,000, 9, 5, 14, अगर संडे को भी ओवर टाइम कर लेते तो 15, 16, 17 हज़ार तक कमा लोगे, ठीक है। ओवर टाइम में कैंटीन एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कैंटीन आपको खुद से देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा मिलेगा। ITI
पीटीआई वाले के लिए इन हैंड है 8 घंटे का 9800 प्लस 50 रुपये ओवर टाइम। डिप्लोमा वाले के लिए 13,200, 8 घंटे के लिए इन हैंड है 10,200 प्लस आपको ओवर टाइम 4 घंटा मिलेगा, वही है 50 रुपये ही ओवर टाइम मिलेगा, चाहे वो बीटेक वाले पर्सन ही क्यों ना हो। यहाँ पर बीटेक वाले को 11,500 इन हैंड है 8 घंटे का प्लस 4 घंटा कंपलसरी ओवर टाइम है। ओवर टाइम विल बी कंपलसरी फॉर ऑल ड्यूरिंग हाई प्रोडक्शंस, हाई प्रोडक्शंस पे आपको ओवर टाइम कंपलसरी मिलेगा और भी ज़्यादा मिल सकता है। कैंडिडेट्स आर ऑफ नॉन टेक्निकल लाइक 10th 12th विल बी वर्किंग पैकेजिंग वर्क। तो जो कैंडिडेट 10th पास है 12th पास है उनको सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में हेल्पर का काम दिया जाएगा, प्रोडक्शंस हेल्पर एंड पैकेजिंग हेल्पर का। डिपार्चर इन वेयर हाउसेस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है। सो आई थिंक ये जॉब्स का सभी जानकारी समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर मुझे भेजा गया, जैसा कि देख रहे हो पीडीएफ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सभी कुछ दिख रहा है पीडीएफ में भेजा गया। तो हम पीडीएफ में सारा का सारा एक्सप्लेन आपके साथ में कर दिए। अब कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो आई थिंक आपको ये जॉब्स पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।